हेलो व्यूवर्स, वेलकम यू ऑल इन स्टडी विद दिस, स्टडी फास्ट बी स्मार्ट। मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी श्री और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लॉ ऑफ डिमांड क्या? लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ नियम कानून है, तो क्या है इसके नियम कानून पढ़ते हैं। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड एंड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसे कैसे जानते हैं? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अगर हमारा प्राइस, सारा चीज रिमेन, ऑल थिंग्स आर रिमेनिंग द सेम जब बोलते हैं, जब सब कुछ सेम रहे तब क्या हम लोग देखेंगे, जब भी हमारा प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाता है किसी भी चीजों का, हमारा उसके लिए डिमांड क्या होता है, कम होता चला जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। और जैसे ही किसी भी चीजों का प्राइस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, उसके लिए हमारा डिमांड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये सब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसे फील करते होंगे। अब देखिए, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कब अराइज होता है, किन किन कारणों से अराइज होता है, ठीक है, ये इस पर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कब अराइज होता है? जब हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही हमारा शुरू होता है, वही क्या अराइज होता है, लॉ ऑफ डिमांड। कैसे होता है भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सब जानते हो क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग कैसे पता करते हैं उस टाइम लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है? जैसे ही हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, उसी तरह हमारा क्या होता है, वहीं पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के तुरंत ही हम लोग नजदीक चले जाते हैं। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते करते एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फुलफिल हो जाता है। उस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अराइज होने लगता है। कैसे होता है? आप जैसे ही आपका काम निकल गया, ठीक है, सपोज आपको 2 रोटी चाहिए था, आप 2 रोटी ले लिए। अब 2 रोटी लेने के बाद आपकी तो पेट भर गई। अब इसके बाद आप और रोटी और किसी भी चीजों के लिए आप और ऑर्डर नहीं करोगे, तब तो खास तौर पे नहीं करोगे जब आपको पैसे ज्यादा पे करने पड़ रही है, ठीक है। उस केस में अगर आपको शॉपकीपर, जो भी शॉपकीपर होता है, वो आपको चीजों को क्या करता है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे या फिर कुछ डिस्काउंट में दे दे, तो आप क्या करोगे, पैक करा के ले जाओगे घर वाले के लिए। बट अगर आपको वही प्राइस में मिल रहा है तो आप वहां पे उस चीजों को नहीं लेना पसंद करोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम किया। जैसी चीजों के लिए कीमत कम पड़ी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही शुरू हुआ, मीन्स क्या, आपकी यूटिलिटी फुलफिल हो गई। अब आपको उस चीज की जरूरत नहीं थी, तब आप क्या करोगे, अगर प्राइस कम पे मिल रही है तो आप उसको परचेस कर लोगे। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिये, यहाँ पे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी काम आता है। जब हमारे को उस वही चीज का सब्स्टिट्यूट चीज अगर मिल रहा होता है मार्केट में कम प्राइस पे, तो हम लोग उस ओरिजिनल चीज को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट चीज को ले लेते हैं। और वहीं पे, और खास तौर पे तब कब, इसे हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के भी नाम से जानते हैं। मीन्स क्या, वो हमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स क्या, हमारी जो भी जरूरत थी वो हमें वो सब्स्टिट्यूट ही फुलफिल कर दे रहा है। मीन्स अगर हमें रोटी खाना था तो आटे की रोटी नहीं खा के हम मैदे की रोटी से पेट भर ले रहे हैं, ठीक है। मीन्स हमारा पेट भी भर रहा है और हमें जो भी रोटी की इच्छा थी, हमारा या आपका, जो भी जिसका भी हो, तो हमें वो रोटी खाने का भी वो मजा दे रहा है, ठीक है। तो ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जब भी काम करता है, यहाँ भी क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड कैरी ऑन करता है। इनकम इफेक्ट, देखिए ये थर्ड जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। इनकम इफेक्ट करता है तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। देखिए, सपोज आपकी इनकम बहुत अधिक हो तो आप महंगी चीजें प्रेफर कर लोगे, बट आपकी इनकम कम हो तो आप सस्ती चीजों पर ही जाओगे। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे कैसे काम किया भाई। अगर आपके पास, आप सपोज आपके पास पैसे हो या ना हो, चलो वो सब चीजों को छोड़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को ही ले लो, इन्हीं को पहले कोट कर लो। अगर बाजार में चीजें महंगी मिल रही है, आप उस टाइम क्या करोगे, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, आपके घर खर्च में 15,000 खर्च हो जा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, चीजें बहुत महंगी मिल रही है, ठीक है, हमें 5,000 ही सेविंग करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा केस होता है कि मार्केट में सारी चीजें जो आपको 15,000 में मिल रही थी वो आपको 10 या 9,000 में ही अवेलेबल हो जा रही। अब आपको क्या लगेगा, हमारा इनकम तो बढ़ गया, ठीक है। तो इनकम जो इफेक्ट करता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड को, मीन्स आपको वहां पे पता चलता है कि मेरा ये लॉ ऑफ डिमांड पे कैरी ऑन हो रहा है। वेरियस यूजेस ऑफ द कमोडिटी, वेरियस यूजेस ऑफ अ कमोडिटी में भी लॉ ऑफ डिमांड हमें देखने को मिलता है। सपोज कुछ नहीं, छोड़ लो, आम के सीजन में ही ले लो, अगर कच्चा आम आ जाए मार्केट में सस्ते दाम पे आ जाए, लोग तरह तरह का उसको यूजेस करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग चटनियां बनाएंगे, कुछ लोग अचार बनाएंगे, कुछ लोग उसके खट मिठा वो जो बोलते हो मुरब्बा वगैरह वो बनाना शुरू कर देंगे। तो उसका वेरियस यूजेस होने लगता है और वेरियस यूजेस होगा तो जरूर बात है कि वो क्या है कम दाम पे मिल रहा है, बोलते हैं ना कम दाम पे मिलता है उसको कोई वैल्यू नहीं देता है जो फेंक फेंक के यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब वही क्या हो जाए आम जब पक जाता है वो महंगा मिलने लगता है। अब देखो कैसे कंट्रोल हो जाएगा, कुछ नहीं एक घी को ही ले लो, अगर घी सस्ते दाम पे मिले क्या करेंगे वो उससे पूड़ियां तलने लगेंगे, सारा यूजेस उसी से होने लगेगा। और जैसे ही घी का प्राइस अभी तो आसमान छू रहा है आज की डेट में, तो घी जैसे ही महंगी हो जाती है अब सब्स्टिट्यूट उसका यूज होने लगता है, जितने भी ऑयल रिफाइनरीज मिल रहे हैं उन सबको यूज करेंगे। अब घी का बस चंद ही कोई गिना चुना चीज में यूज होगा। तो वेरियस यूजेस ऑफ कमोडिटी में भी हमें लॉ ऑफ डिमांड देखने को मिलता है, महंगी चीज होती है डिमांड उनका कम हो जाता है। राइज और फॉल इन द नंबर ऑफ बायर्स, देखिए ये एकदम लास्ट और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि अगर नंबर ऑफ बायर्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं या नंबर ऑफ बायर डिक्रीज हो जाते हैं तो उनका सीधा असर हमें लॉ ऑफ डिमांड को देखने को मिलता है। लॉ ऑफ डिमांड पे कैसे, अगर आपके सपोज आपके ही घर में ले लो कोई रिलेशन से बहुत सारे मेंबर्स आ गए, आपको ऑटोमेटिक अगर आप 1 किलो आलू एक दिन में बना रहे थे घर में आपको ऑटोमेटिक 2 या 3 किलो बनाना पड़ जाएगा। उस केस में क्या होगा लॉ ऑफ डिमांड कैरी करेगा, क्यों अगर प्राइस महंगा है ठीक है आपको महंगे दाम पे लेना पड़ रहा है, आप क्या करोगे उस आलू के बजाय कुछ दूसरी हरी सब्जी को प्रेफर करोगे, भाई ये महंगी है इसमें मैं नहीं जाना है ठीक है। तो उस केस में क्या होता है राइज और फॉल इन द नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर खरीदने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा है अब प्राइस आप बढ़ा रहे हो वो क्या जाएगा वो उस चीजों से हटके उसका डिमांड क्या जाएगा दूसरी चीजों में डिमांड चला जाएगा। तो नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। ये जो 5 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, ये आपको 5 मार्क्स को स्कोर करने में बिल्कुल ही हेल्प करेंगे। तो इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन। देखिए लिमिटेशन कोई भी चीजों का हमें लिमिटेशन होता है, बैरियर्स होता है, जैसे बोलते हैं ना हद में रह के काम करना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड का भी हद है, क्या हद है इसे भी हम लोग जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का क्या हद है, देखिए द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, मींस लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, मींस प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो हमारा डिमांड इंक्रीज होगा। तो ये क्या बोलता है द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, ये कब काम करेगा लॉ ऑफ डिमांड जब हमारा कंज्यूमर का जो इनकम है वो चेंज नहीं हो। मीन्स अगर आपको 20,000 सैलरी मिल रही है ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट अगर वो आपकी सैलरी किसी रीजन से एक मंथ में, हम ये नहीं बोलेंगे कि सारे मंथ के लिए, किसी एक मंथ में कुछ सैलरी कट जाती है आपको 12,000 ही मिलती है, उस केस में आप ये नहीं बोल सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रही है, नहीं ऐसा नहीं, आपका इनकम चेंज हुआ है बाय डिफॉल्ट किसी रीजन की वजह से, कुछ भी रीजन की वजह से आपका इनकम चेंज हो जा रहा है, उससे आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चीजों का दाम वही रहेगा और आप एक महीने नहीं खरीद पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा डिमांड कम हो गया, पूरा का पूरा डिमांड इफेक्टेड हो गया, नहीं। तो लिमिटेशन यहाँ पे बता रहा है इनकम कंज्यूमर का चेंज नहीं होना चाहिए, उस केस में हमारा क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेक्स्ट कंज्यूमर हैबिट टेस्ट एंड फैशन शुड नॉट चेंज। अब देखिए कंज्यूमर का अगर हैबिट टेस्ट फैशन अगर चेंज हो जाता है तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा क्या, नहीं। आपकी टेस्ट नहीं, आपको पहले पता था कि हमें चाय ही पसंद है ठीक है, पर एक दिन किसी दोस्त ने कॉफी पिला दिया, अब आपको कॉफी की लत लग गई, आपकी हैबिट चेंज हो गई, आपकी टेस्ट चेंज हो गई, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे एक नहीं पीने से चाय का जो वैल्यू था, चाय का जो डिमांड था वो खत्म हो गया, नहीं। चाय जितनी भी महंगी हो, सस्ती हो, जैसा डिमांड था वैसे ही आपके एक नहीं पीने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चाय को, ठीक है। तो आपका अगर टेस्ट अगर आपकी हैबिट चेंज हो रही है तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड इफेक्टेड नहीं होने वाला है, ठीक है। सो नो न्यू सब्स्टिट्यूट, सॉरी प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज। अब जो भी प्राइस सब्स्टिट्यूट का प्राइस है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज देखिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स के भी 2-3 फ्लेवर हैं, सब आप अपने अपने मन में अज्यूम कर लो कौन कौन सा फ्लेवर है। सपोज कोका-कोला ही ले लो, पेप्सी ही ले लो और मिरिंडा ही ले लो, ठीक है, 3 ले लेते हैं। अगर कोका-कोला का प्राइस और मिरिंडा का प्राइस आपको अगर दोनों ही बहुत पसंद हो ठीक है, और दोनों के ही दाम में कुछ न कुछ डिक्रीमेंट होता है। आप देखिए कोका-कोला का प्राइस जितना भी है उससे वो 5 रुपीज लेस हो जाता है, उस केस में मिरिंडा क्या करता है, वो भी ऐसा वो कर रहे हैं, बस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं बस समझने के लिए, ठीक है। तो उस केस में मिरिंडा भी क्या होता है, उनको भी मन करता है, उन लोग क्या करता है 7 रुपए अपने दाम को कम कर देता है। उस केस में आप क्या करोगे, भले ही कोका-कोला का दाम कम हुआ है, आपको वो फ्लेवर पसंद भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, जाके मिरिंडा चूज करोगे, ठीक है, तो वो क्या होता है प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट नॉट चेंज। अब देखिए सब्स्टिट्यूट था कोल्ड ड्रिंक का, एक सब्स्टिट्यूट था आप कोका कोला पीते थे उसका, एक और सब्स्टिट्यूट कोल्ड ड्रिंक्स का क्या था मिरिंडा भी था, वो भी भले फ्लेवर चेंज हो लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स का ही सब्स्टिट्यूट है। तो उसके अगर यहाँ पे आपका दाम चेंज हुआ तो उस सब्स्टिट्यूट वाले का भी दाम चेंज होगा। उस केस में भी क्या होगा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, मीन्स क्या एक का भी प्राइस कम हो रहा है दूसरे का भी कम हो रहा है, तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं किया। अब देखिए नो प्राइस ऑफ नो न्यू सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी शुड प्रोड्यूस। अब देखिए जहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट के प्राइस के चेंज होने की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है नो न्यू सब्स्टिट्यूट शुड बी फाउंड। अब एक नया सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में नहीं आना चाहिए ये बोलना चाह रहा है। अब आप पहले से कोका कोला और मिरिंडा की दोनों में से सेलेक्ट करने के उलझन में पड़े थे, अब क्या हो रहा है एक नया मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है तो आप उसको एटलीस्ट सैंपल पीस एटलीस्ट टेस्ट करने के लिए लेना पसंद करोगे। तो उस केस में क्या होगा एक अलग ही मार्केट में ट्रेंड चला जाएगा, हम लोग नए वाले को ले लेते हैं। तो ये भी इस टाइम में भी क्या होगा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, मीन्स ये भी बोल रहा है यहाँ पे नो न्यू सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस होना चाहिए, कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में ये कॉमन सेंस की बात है लोग उसको प्रेफर करेंगे, तो वहां भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट चेंज। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जी हाँ, जो हम लोग इसे हिंदी में बोलेंगे धन का असमान वितरण, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो धन का वितरण है वो असमान नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या कि अगर आप एक जगह काम कर रहे हो तो वहां पे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं, तो उनका भी जो भी सैलरी मिल रहा है वो इक्वल मिलना चाहिए जैसा उनको मिलता आया है। अगर वहां पे असमान वितरण होने लगेगा, जैसा कि सैलरी उनको मिला था वो ऐसा नहीं मिलेगा, उस केस में भी कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ कंडीशन में, तो इस केस में भी आप बोल नहीं सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड काम करे। इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, तो उनका क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल, डिफरेंट डिफरेंट सैलरी लेवल होता है। तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते अगर एक प्यून ग्रेड का कोई है तो उसका सैलरी अलग होगा, एक हाई लेवल पे कोई है तो उसका सैलरी अलग होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर जो जूनियर लेवल का काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड उस चीज का पर्टिकुलर प्रोडक्ट का किसी भी चीज का डिमांड कम है, नहीं, हम किसी के भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रही है। नेक्स्ट द सीजन शुड नॉट चेंज। देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि सीजन भी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। अब आप ठंड के दिन में ले लो, ठंड के दिन में ले लो, अगर कितना भी फ्रिज का दाम सस्ता हो जाए कोई जल्दी जल्दी जाके फ्रिज उठा के नहीं लाएगा, ठीक है। अब छोड़ दो, गर्मी का ये दिन का बात ले लो, गर्मी का कितना भी दिन हो अगर स्वेटर या शॉल या फिर जो भी उलन ड्रेस है जितना भी कम दाम में दे दे, वो प्राइस जितना भी कम रख ले, कोई भी जाके उसको ट्राई नहीं करके देखेगा, भाई हमको ट्राई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उस चीज का भी सीजन तो है नहीं, हम उसे ट्राई भी करना पसंद नहीं करेंगे, तो सीजन बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। भले ही वो कितना भी प्राइस कम कर ले उसका डिमांड हाई होने वाला नहीं है। तो इस केस में भी क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो ठीक है, आज के हम लोग वीडियो में बहुत से समझे लॉ ऑफ डिमांड, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पे कॉजेज ऑफ मीन्स लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, लिमिटेशन में कहा है क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे काम नहीं करता है। तो आज की सेक्शन की किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होती है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।